प्रधानमंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत कर रहे हैं जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के शुरू होने में कुछ ही घंटे का समय बाकी है और तमाम मंत्रियों से जनता टीवी खास बातचीत कर रहा है। इसी कड़ी में अब मैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के पास हूँ और मॉनसून सत्र को लेकर सरकार कितनी तैयार है इस पर बातचीत करेंगे। सर, अभी मुख्यमंत्री के साथ आपकी ब्रीफिंग हुई है, चर्चा की गई है, किस रणनीति के साथ आपको सदन में मौजूद रहना है, कितनी तैयारी है सर? जो विधानसभा में विपक्ष से जो क्वेश्चन है, जो कॉल मोशन है या सभी विधायकों ने जो क्वेश्चन लगाए हैं और जो भी क्वेश्चन मिले उनकी जानकारी सरकार देगी और विधायक को अपना हक है कि हर विधायक सरकार से अपनी जानकारी हर क्षेत्र मांगे। और पक्ष के जो साथी हैं, जो भी पक्ष, जो विपक्ष है, जो अपने जो पूछेगा उसका सरकार जवाब देगी और मजबूती के साथ देगी और तथ्यों के साथ हम जवाब देंगे। सर, क्या आप महत्वपूर्ण मानते हैं, चूंकि विपक्ष ये कह रहा है कि कृषि कानून है, किसानों का आंदोलन है, पेपर लीक है, तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम सरकार से जवाब चाहते हैं और सेशन को लंबा किया जाना चाहिए, ये भी विपक्ष कह रहा है, तो सरकार भी चाहती है सर तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयारी है सरकार की? नहीं, सरकार ने पिछली बार भी विपक्ष के कहने पर सेशन को बढ़ाया था। अगर विपक्ष से साथी चलाएं सेशन और बढ़ा देंगे। भी प्रदेश के हित में चाहे मुख्यमंत्री कुछ भी करना पड़े, प्रदेश के हित में जिसकी चर्चा होंगी, जिसका एक मंथन के बाद एक रास्ते निकलेंगे और होनी चाहिए। पर मेरे दुख इस बात का, विपक्ष से लोग जम नहीं पाते, विपक्ष पर चले जाते हैं, मैदान छोड़ जाते हैं और सेशन में जबकि रहना चाहिए तो हमेशा अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों की बात रखनी चाहिए, हरियाणा के जिस विधानसभा उनकी बात अपनी रखनी चाहिए। और विपक्ष, हमने तो कई बार देखा है विपक्ष के लोग खुद ही भाग जाते हैं। शर्मा जी, जो आपके महकमे हैं, परिवहन विभाग है, खनन विभाग है, ये तमाम विभाग है, इनसे जुड़े जो सवालात रहेंगे, करीब 400 के करीब सवाल विधानसभा को मिले हैं, उसमें से कुछ सवाल आपके महकमे के भी होंगे, तो आप पूरी तरह उन सवालों के जवाब के लिए तैयार हैं सर? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, जो क्वेश्चन उन्होंने पीछे हैं, और मैं खुली बहस के लिए भी जो मुझे मिला है 2019 के बाद महकमे या ट्रांसपोर्ट या माइनिंग या मेरे को ITI मिली है और मैं उनकी पूरी तैयारी के साथ जो पूछेंगे बताऊंगा और कोई जानकारी मिले बाद में उसको जानकारी करके दूंगा। सर, बीते विधानसभा के बजट सत्र में भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तेज हंगामा तलखी देखने को मिली थी। इस बार भी किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरह से यूं कह रहा है कि हम इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगे, किसानों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो सरकार का पूरा तैयार है सर? आप आज मुख्यमंत्री से भी मिलकर आ रहे हैं, आपने मंत्रियों ने चर्चा भी की है। नहीं, किसान तो अपने खेत और खलिहान में लगा हुआ है और कुछ लोग दूसरे जो साथी हैं, मेरे मित्र हैं, और उन साथियों बलगाने का काम कर रहे हैं। और जहां किसान की बात तीन में किसान के हित में है, केंद्र सरकार ने कहा है, प्रदेश की सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है और सभी विधायक सभी मंत्रियों ने कहा है कि ये तीनों बिल किसान के हित में है। अगर कोई विचार है, केंद्र ने बार बार कहा है, कोई इसमें कोई सुझाव है तो आप दीजिए उस सुझाव के। अगर कोई आदमी किसी का रास्ता रोके, किसी के गाड़ी की शीशे तोड़े, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। कानून अपने हाथ में लेना ये ठीक नहीं है, किसी के लिए, हमारे लिए ठीक नहीं है, किसी और के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी किसी के शीशे तोड़े, रास्ता रोके, बदतमीजी करे, ये तो ठीक नहीं। कपड़े फाड़ना कौन सा कानून है? प्रदर्शन करिए, आप करिए, कौन मना करता, प्रदर्शन करिए, धरना प्रदर्शन करना हर आदमी का अधिकार, पर इस तरह से बदतमीजी करना, हमलावर करना, ये ठीक नहीं है किसी के लिए। प्रदर्शन जब मॉनसून सत्र में बात आएगी सर कि इस तरह से किसानों के आंदोलन के चलते मुकदमे दर्ज होने की बात जब विपक्ष करेगा तो सत्ता पक्ष की तरफ से इन सवालों के साथ जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना उचित नहीं है? नहीं, हमने तो आज भी दिया, आज भी कहा है भाई कानून अपने हाथ में ले, अपना प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें, पर इस तरह से बदतमीजी करें, कपड़े फाड़ना, गाड़ी से भगाना, ये ठीक नहीं है। वो चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, लोगों ने कहीं 2.5 लाख, कहीं 2 लाख लोगों ने उस पर विश्वास भरोसा रखा है, उनका भी ध्यान रखें। सर, पेपर लीक का मामला चर्चा में है, विपक्ष कह रहा है पेपर लीक पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे, जांच CBIC करवाई जाए। अब तो सर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि इसकी जांच CBIC से करवा ली जाए, तो इस पेपर लीक के मामले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो पेपर लीक है, मान लो पेपर लीक हुआ, सरकार ने 24 घंटे में उनको पकड़ा भी है, उनकी जानकारी मिली है जिन लोगों ने, जहाँ से पेपर लीक हुआ, और अगर सरकार उसकी मंशा होती
या उनको पकड़ते नहीं या कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते तो बात है। जब सारा काम सरकार कर रही है, सरकार का मन ठीक है, निष्ठा ठीक है, विश्वास है, तो फिर तो भरोसा रखना चाहिए। अंतिम सवाल है सर मेरा, खनन को लेकर कांग्रेस ने प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, वो मंजूर होगा कि नहीं होगा ये देखना होगा, वो करें। प्रदेश में इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है। मैं एक ही बात कहूँगा मेरे विपक्षी साथियों से, जब उनके समय, मेरे पे सारे प्रमाण है, जब उनकी सरकार थी 11-12 से 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़, अगर जब 1000 करोड़ रुपए का जब आंकड़ा, 1000 करोड़ जब आया है, पार हुआ है, इस वर्ड कहाँ से आया है? पहले नहीं था, इसका मतलब पहले नहीं था, 2018 में नहीं था, 7 में, फिर कैसे काम बढ़ा बताइए ना, फिर वो पैसा कहाँ गया? जब 2000 जब इनकी सरकार थी 11-12 में 84 करोड़, 54 करोड़, 100 करोड़, और ये रेवेन्यू जो कलेक्शन करा है सब लोगों के, जो अवैध खनन इतने हमने उन पे अपने चालान करे हैं, 1400 हमने ट्रक बंद करे हैं, उनके चालान करा, उनके मुकदमे दर्ज हुए, ये सब तो रोका है। और कांग्रेस के मित्र बताएं क्या करें इसमें, वो बताएं ना, साथ रहें, बताएं अगर कहीं पे अवैध निर्माण होता कांग्रेस में टीम में ले लूंगा साथ, वो बताएं, कांग्रेस के मित्र बताएं जहाँ होगा वहीं ले लेंगे उन साथियों को, पर बताते भी नहीं है, कहना आसान है, बताए ना कहा। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा थे और साथ ही खनन विभाग के भी मंत्री हैं। मूलचंद शर्मा का यही कहना है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, अगर अवैध खनन की बात विपक्ष करता है तो फिर केवल आरोप ना लगाए, उसके लिए तथ्य दे और तथ्य होंगे तो कार्रवाई करेंगे। और राजस्व जो है वो खनन का हरियाणा में बड़ा है, ये दावा मूलचंद शर्मा कर रहे थे। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मानसून सत्र को लेकर तैयार है। जी पवन, पवन बने रहिए आप हमारे साथ।